इस सोपोर में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सोपोर के जंगलों में छिपा था आतंकी। कल भी दो आतंकी मारे गए थे और अभी दो से तीन आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सेना ने इलाके में घेराबंदी की है। तो सोपोर के जंगलों में छिपा था आतंकी, कल भी दो आतंकी मारे गए थे, अभी भी दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। सेना ने इलाके में घेराबंदी की। आशिक मीर इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशिक, इस ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रहार चल रहा है और सुरक्षा बलों और सेना को जो है एक इनपुट मिला था कि सोपोर के रामपुरा राजपुरा के फॉरेस्ट एरिया में कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है कई घंटों तक चलता रहा। फिलहाल इस मुठभेड़ में जो है एक आतंकी ढेर हुआ है और इनपुट ये है कि इस मुठभेड़ में और भी आतंकी है जो लगातार जो है वहां पर जंगलों का सहारा लेकर जंगलों में छुपे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है और जो बचे हुए आतंकी है उनकी तलाश फिलहाल इस एरिया में चल रही है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही सोपोर के सगीपोरा इलाके में जो है एक मकान में कुछ आतंकी घुसे थे, जिसके बाद उस एरिया को अभी कॉर्डन किया गया और उस जगह से भी दो आतंकियों को मारा गया, एक मकान में छुपे थे और वहां पर जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दो पाकिस्तानी आतंकी जो है कल ही मारे गए थे और आज भी एक एनकाउंटर में जो है फिलहाल एक आतंकी ढेर हुआ है। और ये भी इनपुट आ रहा है कि सोपोर के इलाके में लगभग 20 ऐसे आतंकी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और जो हालिया दिनों ही यहां पर घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही और कितने आतंकियों के छिपे होने की वहां जानकारी मिल रही है? क्योंकि दो से तीन और आसपास के इलाकों को लेकर बात करें तो सेना के पास क्या कुछ इनपुट है? देखिए, सुरक्षा बलों को ये ऑपरेशन चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है पूरा डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर हेवी टेरेन्स है और साथ साथ अगर हम इन जंगलों की बात करें जो भी आज से पहले इन फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशन रहे हैं वो काफी दिनों तक चलते रहे और सेना और सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा नुकसान भी उन ऑपरेशन में उठाना पड़ा और आज भी इसी तरह ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर काफी घने जंगल है और इन जंगलों में ये आतंकी जो है छुपे हुए थे और सोपोर से बिल्कुल नजदीक वाला इलाका है। यहाँ से सोपोर टाउन की अगर हम बात करें जो कि रिहायशी इलाका है वो बिल्कुल 5 ही किलोमीटर दूर है और फिलहाल ये आतंकी जो है हालिया घुसपैठ करके जो है सोपोर पहुंच चुके थे और इसके बाद जो है किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, इन आतंकियों को ट्रेस किया गया है और फिलहाल एक आतंकी की मौत हुई है और साथ ही साथ बाकी आतंकियों की तलाश जो है पूरे जंगली इलाकों में चल रही है। बाकी आतंकियों की तलाश जो है वो जंगल इलाकों में की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देखिए रात का वक्त है और जंगल का इलाका है और जंगल का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को छिपने में मदद करता है और ये दूसरी तरफ सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल इस वक्त की बात करें, रात भर जब भी कहीं पर ऑपरेशन होता है तो उसे अंधेरे के कारण हाल्ट करना पड़ता है। हालांकि इस इलाके में फौज की तरफ से लाइट जो है इंस्टॉल की गई है, लेकिन उसके बावजूद घने जंगलों वाला इलाका है, यहाँ पर आतंकी जो है छुप कर वार भी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए फिलहाल जो है इस ऑपरेशन में पैरा कमांडोज को उतारा गया है, CRPF को भी बुलाया गया है, साथ साथ जो फौज के कमांडोज होते हैं, कमांडोज विंग होती है चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो सारी नफरी जो है इन जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी ये बात रहती है कि ख्याल रखा जाता है, हर एक चीज SOPs फॉलो करने पड़ते हैं। जिस हिसाब से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन जो है कल दिन भर भी इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि ऐसे ही इम्कान है। फिलहाल फायरिंग की आवाजें जो है नहीं सुनाई दे रही है, कुछ टाइम पहले फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी इस इलाके में, लेकिन अभी जो है फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशिक मीर। अब बात करेंगे